एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने ग्रेनेड से यह हमला किया है। हरि सिंह स्ट्रीट पर यह ग्रेनेड फेंका गया, तो ये बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से, जहां पर आतंकी हमले की सूचना मिल रही है। आतंकियों ने वहां पर हमला किया ग्रेनेड से, जो जानकारी मिल रही है। हरि सिंह स्ट्रीट बताया जा रहा है जहां पर यह ग्रेनेड फेंका गया था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर से जहां पर आतंकी हमला हुआ है, और बड़ी खबर तो यह सामने आ रही है कि स्ट्रीट जिसको निशाना बनाकर यह ग्रेनेड फेंका गया, लेकिन मंशा क्या थी, किसको निशाना बनाना चाह रहे थे, कितने लोग अभी हताहत हुए हैं, कितना बड़ा ये हमला था, अभी ये धीरे धीरे देखिए बातें साफ होने बाकी हैं। लेकिन जो प्राथमिक तौर पर अभी बड़ी खबर आ रही है वो ये कि आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। श्रीनगर से बड़ी खबर, हरि सिंह स्ट्रीट पर दरअसल ये ग्रेनेड फेंका गया है। तो आतंकी लगातार अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और इसी के तहत आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। श्रीनगर से यह बड़ी खबर, हरि सिंह स्ट्रीट पर यह ग्रेनेड फेंका गया है। क्या यह सिर्फ एक ग्रेनेड था या और ज्यादा ग्रेनेड थे, अभी ये खबरें आनी बाकी हैं। लेकिन अभी जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है वो ये कि आतंकियों ने हमला किया हरि सिंह स्ट्रीट पर, बकायदा ग्रेनेड फेंका गया है। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से, जहां पर बड़ी खबर ये कि आतंकी हमला हुआ है, आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। हालांकि पूरे इलाके को अभी सील कर दिया गया, सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है कि वो कौन थे आतंकी, उन्हें ढूंढने की कोशिश भी इस वक्त हो रही है। लेकिन बड़ी खबर श्रीनगर से, आतंकियों ने ग्रेनेड से यह हमला किया है। हरि सिंह स्ट्रीट बताया जा रहा है वो स्ट्रीट जहां पर ग्रेनेड या आतंकी आते हैं, फेंक के चले जाते हैं। अभी कितने आतंकी हो सकते थे, किस तरीके से यह हमला हुआ, ये अभी खबरें साफ होनी बाकी हैं। कितने लोग हताहत हुए, कितना नुकसान हुआ, यह भी अभी खबर आनी बाकी है। रिफत अब्दुल्ला जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ। रिफत, ये मिलिटेंट ने ग्रेनेड फेंका है, ये हरि सिंह स्ट्रीट का एरिया है, और इससे पहले भी कई बार वहां पे ग्रेनेड फेंके गए। अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, दो सिविलियन जो है वो घायल हो गए इस हमले में। पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया है। सीआरपीएफ और पुलिस जो है इर्द गिर्द पहुंची है, और ये सिक्योरिटी फोर्सेज की वहां पे टुकड़ियां होती हैं, सीआरपीएफ की भी और पुलिस की भी, और ये सिक्योरिटी फोर्सेज पे हमला था। लेकिन ग्रेनेड जो है वो सड़क पे फटा, और उससे दो सिविलियन जो है अभी घायल बताए जा रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया। बाकी डिटेल्स इमर्ज हो रही है। रिफत, ये एक ही ग्रेनेड था, और ये कितने आतंकी थे, कोई चश्मदीद या कुछ पता चल पाया उस दिशा में अभी? देखिए, ये क्या पाना मुश्किल है कि लेकिन एक ही धमाका हुआ, उसका मतलब है कि एक ग्रेनेड फेंका गया है, क्योंकि ये तैयारी करके आए होते मिलिटेंट और उन्होंने ग्रेनेड फेंका, और उसके बाद अक्सर हमने देखा कि जो ही ग्रेनेड फेंका जाता है उसके बाद मिलिटेंट भाग जाते हैं। उन्होंने पूरी तैयारी की हुई होती है। इससे पहले भी एक बार इसी पॉइंट पे ग्रेनेड हमला हुआ था, उसमें तकरीबन 16 सिविलियन जो है घायल हुए थे। अभी जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 2 सिविलियन जो है इस हमले में घायल हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाकी एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा, और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। रिफत, मंशा क्या थी, क्योंकि आप कह रहे हैं सड़क पर ही ये जो ग्रेनेड है वो फट गया, जिसकी वजह से दो जो स्थानीय लोग हैं वो घायल हुए, इनकी मंशा आतंकियों की क्या थी? देखिए, मंशा साफ है, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना, चाहे सीआरपीएफ मिले, पुलिस मिले या फिर आर्मी मिले, जहां पे भी उनको लगता है कि कहीं पे वो टारगेट कर सकते हैं, चाहे आईडी के जरिए, फायरिंग के जरिए या फिर ग्रेनेड हमलों के जरिए। हमने देखा कि अक्सर जो ग्रेनेड हमले होते हैं वो सुरक्षा बलों पे ही टारगेट किए जाते हैं, कभी निशाना चूक जाता है, सड़क पे फट जाता है, या कभी ग्रेनेड फटता ही नहीं है, फेंका जाता है, बंकर के बाहर होता है और उसको फिर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो नाकारा कर देता है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ही निशाना थे, क्योंकि इर्द गिर्द वहां पे सीआरपीएफ और पुलिस के लोग थे जिन पे ये ग्रेनेड फेंका गया। अभी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 2 सिविलियन जो है वो घायल हुए हैं। ठीक है रिफत, आप नजर बनाए रखिए। और अब